हम इस संवाद 2023 के सरगुजा के आयोजन के अंतिम चरण में हैं और ये चरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ संवाद करने के लिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे सम्माननीय नारायण चंदेल जी विशेष तौर पर अंबिकापुर प्रवास पर आए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां नारायण चंदेल जी के स्वागत के लिए। नारायण चंदेल जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है पर आज इस संवाद में उन्होंने कमोवेश विधानसभा अध्यक्ष जैसी भूमिका निभाई, क्योंकि हर संवाद में बतौर अध्यक्ष के तौर पर जैसे मौन रह के सुना जाता है वैसे नारायण चंदेल जी ने धैर्यपूर्वक पूरे संवाद को सुना। यह उनकी धीरता के लिए हम तहे दिल से उनके आभारी। धन्यवाद धन्यवाद हिमांशु जी। तो नारायण भाई आपसे जो संवाद करना है हमें वो प्रदेश में आपकी पार्टी की रीति नीति और स्थिति को लेकर करना है। ये आपकी पार्टी इतने हौले हौले क्यों चल रही है? चुनाव तो मध्य प्रदेश में भी है, चुनाव तो राजस्थान में भी है, वहां पार्टी दौड़ती हुई दिख रही है, यहां पार्टी चलने की कोशिश करते हुए दिख रही है, इतने आराम में क्यों है भाई? हिमांशु जी, मैं सबसे पहले INH परिवार को, हरिभूमि परिवार को इस सार्थक संवाद के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में, प्रजातंत्र का यह तकाजा है, लोकतंत्र की ये मांग होती है कि प्रजातंत्र में विपक्ष सशक्त होना चाहिए जी, और विपक्ष का यह काम है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाना चाहिए कि उसकी असलियत क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। आपने जो कहा कि हम हेलो हेले चल रहे हैं, हम बहुत तेजी से चल रहे हैं जी। आपने बात कही बैठकों की, हमारी बैठकें रोज हो रही हैं और बैठकें रोज इसलिए हो रही हैं कि हम बहुत सोचकर समझकर विचार करके अपनी रणनीति बनाते हैं जी। आपने देखा होगा कि लगातार हमारे राष्ट्रीय नेता प्रवास पर है, दौरे पर है जी। अभी 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आ रहे हैं, 12 तारीख को माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आ रहे हैं। हमारी दो परिवर्तन यात्राएं निकल रही है, हम यात्राओं के माध्यम से इस भूपेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की कमी को, खामी को जन जन तक ले जाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी के साथ में चल रही है और हमारी संख्या बल जरूर विधानसभा में कम है जी, लेकिन भाजपा का विस्तार जो है वो बूथ तक है, मतदान केंद्रों तक है जी। हमारा जो नेटवर्क है वो नीचे तक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की आपने जी कि विधानसभा में भले ही हमारी संख्या कम है पर भाजपा का विस्तार गांव गांव तक है, बूथ बूथ तक है, नीचे तक है। ये गांव गांव तक विस्तार, ये बूथ बूथ तक पहुंच क्या आपने 2018 से 2023 के बीच में तैयार किए क्या? उससे पहले भी था, और अगर उससे पहले भी था तो आप 15 पर रह गए थे, तो उस नेटवर्क का फायदा किया जिसमें आप 15 पर रह गए थे? देखिए 15 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही वो कम है क्या जी? और लगातार हम सरकार में रहे जी, 2003 से लेकर के 18 तक जी। अब 15 साल रहने के बाद में निश्चित रूप से मुझे स्वीकार, इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई कमी रही होगी, कोई कमजोरी रही होगी, हम जन आकांक्षाओं को जैसा जनता चाहती थी पूरा नहीं कर पाए होंगे, इसलिए जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया। लेकिन रही बात संगठन की, तो आज भी हमारा संगठन बहुत सशक्त है और हर परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो नारायण चंद्र जी आप भी उस प्रदेश कार्य समिति में थे जी जो कोरबा में हुई थी आपकी सरकार रहते हुए, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने उस समय मंच से आह्वान किया था कि अगर कमीशनखोरी बंद हो जाए तो हम अगले 15 साल तक सरकार में बने रहेंगे। क्या कहेंगे 15 साल में आप सत्ता से बाहर हुए, किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं नारायण चंदेल
और नारायण चंदेल जी से ये सवाल इसलिए है कि नारायण चंदेल जी को आज तक नेता के तौर पर कम, भारतीय जनता पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर ज्यादा देखा गया। तो जमीनी समझ की उम्मीद है आपसे, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। जी जी, देखिए ऐसा है कि कारण एक नहीं अनेक होते हैं। जी, जीतने के भी कारण अनेक होते हैं और विजय तक नहीं पहुंच पाना, सफलता प्राप्त नहीं होना, उसके भी बहुत से कारण होते हैं। सामान्य रूप से हम केंद्रित हो जाते हैं एकाध कारण पर, लेकिन अगर हमें सफलता नहीं मिली तो उसके भी बहुत से कारण हैं। मुख्यमंत्री जी ने, हो सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों पर तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने कोई टिप्पणी की होगी, लेकिन वही एकमात्र कारण नहीं था, कारण बहुत से थे और उसको हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। जी, हमें कमी रही होगी, कमजोरी रही होगी, इसलिए जनता ने। पर अभी भी तो आपके पार्टी के तमाम नेता परेशान रहते हैं, जब गांव गांव जाने की जरूरत है, गली गली घूमने की जरूरत है, नगर नगर डगर डगर पे जनता के बीच काम करने की जरूरत है, तब रोज फरमान आ जाता है, चले आओ रायपुर, चले आओ रायपुर, चले आओ रायपुर। क्या कहते हैं नारायण जी, कुछ अपने साथियों का दर्द दुख तकलीफ आपको परेशान नहीं करती? मैंने आपको पहले कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यशैली में अंतर है। जी, हमारी जो कार्य पद्धति है वो अलग है, और आज से नहीं है, हमारी स्थापना के काल से है। कांग्रेस के कार्य पद्धति भिन्न है, और जो दूसरे दल हैं देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में, उनकी कार्य पद्धति हमसे बहुत भिन्न है। इसलिए रही बात, आप, मैं समझ रहा हूं कि आपने कहा कि भाई बैठक के लिए बुला लेते हैं, फील्ड में आप नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता फील्ड में हैं। हम सब लोगों ने अभी गौठानों को लेकर कार्यक्रम किया, प्रधानमंत्री आवास को लेकर कार्यक्रम किया, हमारे बूथ के सम्मेलन हुए, सारे कार्यकर्ता अभी हमारे शक्ति केंद्रों में लाभार्थी सम्मेलन हुए, हमारे सारे बूथों की बैठक हो रही है। तो हम बूथ पर हैं, हमारे कार्यकर्ता मैदान पर हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ रायपुर तक सीमित हैं। नारायण जी, मंत्र बताइए, आपने बताया कि हमारी पार्टी की कार्य पद्धति रही है। जी, आप तो उस कार्य पद्धति के साक्षी नहीं बल्कि उसके सशक्त भूमिका निभाने वाले रहे हैं। ये पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाती थी या कार्यकर्ताओं के पास जाती थी, सही सही बताइए ना। दोनों बातें, हम कार्यकर्ताओं को बुलाते भी हैं, और अगर बूथ में, शक्ति केंद्रों में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं तो हम कार्यकर्ताओं के पास जाते भी हैं। दोनों बातें, जब जब आवश्यकता होती है तो हम कार्यकर्ता को बुलाते हैं, लेकिन जैसा लगता है कि हमको अब कार्यकर्ताओं के पास जाना है, उनसे बातचीत करना है, संवाद करना है, तो हमारे सारे पदाधिकारी मंडल से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक, उनके पास भी जाते हैं। देखिए, हमारी पार्टी, जैसे रामबिचार जी ने कहा कि केडर बेस्ड पार्टी, जी, कार्यकर्ताओं पर आधारित राजनीतिक दल है, तो इसलिए हमारी कार्य पद्धति जो है वो भिन्न है। अच्छा ये बताइए, बुला के करते क्या है भाई? ये जो हर तीसरे दिन बुला रहे हो, थोड़ा बताओ तो सही ना भाई, करते क्या हो? काम की बात करते, थोड़ा पता तो चले वो काम की बात। भाई जितने भी आपके मुद्दे होते थे, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो सारे मुद्दे तो अपने बना ले रहे हैं, राम तो वो भूपेश जी के हो गए, कृष्ण तो भूपेश जी के हो गए, युवा तो भूपेश जी के हो गए, क्या है आपके पास बताने के लिए, थोड़ा बताइए ना। बहुत कुछ जी, इसलिए बहुत कुछ है। 2018 का चुनाव, इसी सरगुजा के संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे थे कि वक्त है बदलाव का, और यहां के सारे शहरों में, कस्बों में ये होल्डिंग्स लगे थे कि वक्त है बदलाव का, लेकिन आज जनता कह रही है कि वक्त है पछताव का। इसलिए मुद्दे हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं। मैं अभी देख रहा हूं, हमने विधानसभा में भी कहा था, आज जगह जगह पहली बार भूपेश जी को यह लग रहा है कि मेरे से भरोसा उठ गया है, तो उन्होंने जगह जगह फिर से होल्डिंग लगा दिए कि भरोसे का सम्मेलन, भरोसे की सरकार, भूपेश है तो भरोसा है। हमने कहा था कि भूपेश है तो भरोसा है,
लेकिन गांव गांव में भ्रष्टाचार को परोसा है। तो इसलिए हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे, आज पूरे विकास के काम ठप है। अगर यहां पर कोई सरपंच होगा तो वो बता देगा, पहली बार इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ, भूपेश सरकार के खिलाफ सरपंच सड़कों पर थे आंदोलन करने के लिए, जो गांव का प्रधान होता है, और इसलिए सड़क पर थे कि एक रुपया उनको इस पौने पांच साल में विकास काम के लिए नहीं मिला। मुझे कई सरपंच छत्तीसगढ़ी भाषा में मेरे क्षेत्र में कह रहे थे, जब मैं उनके पंडाल पर गया तो कह रहे थे, मैं बोला भाई क्यों आप लोग हड़ताल कर रहे हो, आप लोग तो सरपंच हो। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया पांच साल हो गए, परता नहीं परत, माने पोसात नहीं है मल्ला। वो बेचारे इतने मुश्किल से सरपंच बने थे, अब वो लोग झुनझुना पकड़ा दिए उनको। तो सारे सरपंच कोई भी दल का हो, वो सब इस सरकार से आक्रोशित, और वो भी मैदान में भूपेश सरकार के खिलाफ में है। सारे अधिकारी कर्मचारी व्यापारी, समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जो आज इस सरकार से समर्थन करता है जी? बड़ा गंभीर किस्म का सवाल पैदा कर दिया साहब आपने। आपने कहा कि समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जी जो इस सरकार को समर्थन कर रहा है जी, बताइए। तो फिर ये बताओ नारायण चंदेल जी कि ये सरकार हर चुनाव कैसे जीत रही है? एक अपवाद स्वरूप लोकसभा का छोड़ दो तो आप हर चुनाव हार नहीं रहे, बुरी तरीके से हार रहे हो। लोग साथ दे नहीं रहे कांग्रेस का, लोग साथ दे नहीं रहे भूपेश बघेल की सरकार का, और चुनाव आप हार रहे हो। ऐसा क्या कमाल कर रहे हो, क्या आप ही लोग हो जो सरकार का साथ दे रहे हो? देखिए 18 में सरकार बनी, दिसंबर में जब मतगणना हुई तो भूपेश जी मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक पांच महीने बाद जब अप्रैल में चुनाव हुए तब यह सरकार एकदम से नीचे आ गई, मुख्यमंत्री जी अपना क्षेत्र नहीं बचा पाए, करीब 23,000 वोटों से पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पीछे थे पांच महीने में। अब जब नगरीय निकाय का चुनाव हुआ, चुनाव की पूरी पद्धति बदल दी उन्होंने, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा जो चुनाव होता था, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधा, नगर पालिका का सीधे मतदान प्रणाली द्वारा, महापौर का चुनाव पूरे शहर की जनता चुनती थी, इनको हार का डर सताया तब इन्होंने अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुनाव कराने की घोषणा कर दी। तो डर तो इनको था ना, डर हमको थोड़ी था। इन्होंने कहा कि पार्षद महापौर चुनेगा, पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष चुनेगा, पार्षद नगर पंचायत अध्यक्ष चुनेगा, जनता से ये क्यों डर रहे थे भाई? जनता से क्यों ये डर रहे थे तो आप मुख्यमंत्री भी फिर जनता से सीधे चुनवा लो, जनता क्यों विधायक नहीं के माध्यम से चुनने के लिए मुख्यमंत्री का अवसर देती? अगर वो भी अवसर आता है, अगर वो भी अवसर आता है तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। तो भाई सरकार तो आपकी है, मोदी जी से बात क्यों नहीं करते? पर आप तो धान की बात नहीं कर पाते, इसकी बात कैसे करेंगे भाई? धान के जी आप तो धान की भी बात नहीं कर रहे उनसे, धान के बारे में बता रहा हूं। देखिए इन्होंने धान के बारे में भी किसानों को, जो छत्तीसगढ़ के भूमिपुत्र किसान हैं, अन्नदाता किसान हैं, उनके साथ भी धोखा किया। सबसे ज्यादा अगर किसी को बेवकूफ बनाया तो किसानों को बनाया। अब वो कैसे बनाया? इन्होंने कहा कि 2500 रुपये में हम धान खरीद रहे हैं, आज 2183 रुपया सपोर्ट प्राइस जो है, एमएसपी जो है भारत सरकार ने तय किया मोटा धान का, 2203 रुपया पतला धान का भारत सरकार ने तय किया। अब ये बताइए इसके ऊपर का ही तो पैसा ये दे रहे हैं, बाकी तो भारत सरकार दे रही है, तो ये 2500 रुपये अलग से देने की घोषणा करेंगे क्या? अगर भूपेश जी 2500 रुपये अलग से दूंगा कहेगा, वो कहें कि भाई 2500 रुपये हम अलग से देंगे, या 3600 रुपये की बात कर रहे हैं, हम अलग से देंगे, भारत सरकार के पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो हम स्वागत करते हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने किसानों को लेकर कर्ज माफी की बात की, और इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम सभी किसान का कर्जा माफ करेंगे, जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंक से कर्जा लिया है, जिन किसानों ने निजी बैंक से कर्जा लिया है, एक भी
इन किसानों का कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि इन किसानों का कर्जा कब माफ करोगे, क्या अगली बार सरकार बनने की उम्मीद आपको है तब माफ करोगे, या चुनाव के पहले फिर से कैबिनेट करके कोई घोषणा करोगे। दूसरी बात, बोरे का पैसा भारत सरकार देती है, ये बोरे का पैसा ले रहे हैं किसानों से सोसाइटियों में, इन्होंने मंडी टैक्स जो है 5% बढ़ा दिया जबकि भारत सरकार देती है उस पैसे को, ये किसानों से वसूल रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, हाथ को ऐसे घुमा करके उनसे पैसा ले रहे हैं। गिरदावरी के नाम से पहली बार छत्तीसगढ़ का जो भूमिपुत्र किसान है, अन्नदाता किसान है, मेरा जो जिला है वो सर्वाधिक किसान वाला जिला है, गिरदावरी के नाम से जो छोटे किसान है इस छत्तीसगढ़ में, एक एकड़ दो एकड़ ढाई एकड़ के किसान है, जो सीमांत किसान है, पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, और उन्होंने गिरदावरी में तहसीलदार पटवारी आरआई को भेज करके किसानों के खेत को नपवा दिया, मेड़ को नपवा दिया, किन किसानों का धान हमको ना खरीदना पड़े। पहली बार मेरे क्षेत्र में किसान आए और उन्होंने कहा कि विधायक जी हमारा खेत है चोरी हो गया। मैं कहा खेत चोरी हो गया? बोले हाँ, एकर कौन थाना में रिपोर्ट लिखाए जाए। छोटे छोटे जो मंझोले किसान हैं जिनकी आबादी 80% है छत्तीसगढ़ में, जो सीमांत किसान है, 80% आबादी वाले लोग धान नहीं बेच पाए। जब धान बेच नहीं पा रहे तो धान उपार्जन रॉकेट की गति से बढ़ कैसे रहा है नारायण चंद्र जी, थोड़ा ये भी बता दो, यही आश्चर्य। दूसरा, आपने कहा कि इन्होंने किसानों के साथ ऐसा किया, ये 15 क्विंटल प्रति एकड़ की लिमिट किसने लगाई? जरा इन दोनों के भी जवाब हो ही जाए नारायण जी, जब किसानों की आप इतनी चिंता कर रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है इस सरकार का जो कलाबाजी है जी। मैंने एक दिन विधानसभा में कहा था कि ऐसा कौन सा थर्मामीटर आपके पास में है कि जितना आप लक्ष्य रखते हो धान उत्पादन का उतना ही उत्पादन हो जाता है जी, ये कौन सा थर्मामीटर है? जबकि गिरदावरी में खेती की जमीन कम हो गई जी और उत्पादन बढ़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धान खरीदी में भी किसानों के आंख में धूल झोंक करके आसपास के जितने सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, यहां के धान को ला करके यहां खपाया जाता है जी, और उसमें भी भारी भ्रष्टाचार होता है, और ये आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं कि हमने इतना धान खरीदा है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिस राज्य में जमीन कम हो जाए। अच्छा नारायण जी, ईमानदारी से बताइए, आप तो अब नीतिगत कमेटियों का हिस्सा हैं जी, जिसमें प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसमें नारायण चंद्र जी भी बैठते हैं, ईमानदारी से बताओ, जनता के बीच रह रहे हो, कि धान के मसले पर अगर पार्टी ने समाधान नहीं दिया तो आप सबका चुनाव में होगा क्या? देखिए, पहली बार किसान का कर्जा अगर किसी ने माफ किया था तो 1990 में रामविचार जी भी उस समय विधायक थे मध्य प्रदेश में, जिस समय सुंदरलाल पटवाजी की सरकार बनी थी, पहली बार किसान का कर्जा विभाजित मध्य प्रदेश में किसी सरकार ने माफ किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ किया था, एक बात। और हमारा घोषणा पत्र का सब लोग इंतजार करें, भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह लक्ष्य है, ये मिशन है कि हम किसान को कैसे समृद्ध करेंगे, इसीलिए भारत की सरकार 6000 रुपए किसान सम्मान निधि हर किसान को देती है, और हमारे घोषणा पत्र में भी किसानों के लिए हम पर्याप्त सहूलियत देंगे जी। सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर पार्टी को अपने नेता बोझ क्यों लगने लगे हैं? ये जितने भी पार्टी के आपके बड़े चेहरा हुआ करते थे, जो मुस्कुराते हुए चेहरा हुआ करते थे, वो कुमलाए हुए फूल की तरीके से दिखते हैं आजकल। अपने साथियों की ये हालत देख के नारायण चंद्र जी दुख कितना होता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं
उन सब का हम सतत मार्गदर्शन लेते हैं। और रही बात परिवर्तन की, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है हिमांशु जी, और परिवर्तन जो है वो प्रजातंत्र की खूबसूरती भी। तो आप जो ये मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो ये मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शक मंडल छत्तीसगढ़ की घोषणा कब करने जा रहे हैं? हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता, मैंने आपको बताया कि हम उन्हीं के दिशा निर्देश पर उनसे विचार विमर्श करके भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम तय करती है सबकी सहभागिता से ये कार्यक्रम तय होते हैं। चलिए अब आखिरी बातचीत पे आते हैं जी। भाजपा से कांग्रेस बहुत कुछ सीखती थी, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि कांग्रेस से भाजपा सीख रही है। उन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया था, इस बार आपने भी जन पेटियां लगवाई हैं घोषणा पत्र तैयारी के लिए। पिछली बार कांग्रेस भी सामूहिक नेतृत्व की बात लेकर आई थी, इस बार भाजपा भी सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है। अलग अलग इलाकों में सीएम को लेकर चेहरे दिखे थे पिछली बार कांग्रेस के, तो नारायण चंदेल जी को भी चेहरे के तौर पर देखें कि नहीं देखें? देखिए 2003 आप साक्षी हैं जी, जब 2003 में हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की जी, उस समय भी हमारा कोई चेहरा घोषित थोड़ी था जी, और उस समय बहुमत आया, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, कुछ मिनटों में ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय हो गया, और इस बार भी वही होने वाला है। हमें पूरा विश्वास है कि हमको बहुमत मिलेगा, सरकार हमारी बनेगी कुछ चंद मिनटों में, कुछ घंटों में। नहीं नहीं, सरकार आपकी पार्टी की बनेगी यहां तक तो भरोसा ठीक है जी, हमारा सवाल था क्या आपके नेतृत्व में बनेगी, सवाल है। पार्टी जिसको कहे, देखिए हमारा नेता तो तय है, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों को लेकर हम चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। जो पार्टी का निर्देश होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, पार्टी जिसको कहेगी वो इस मुख्यमंत्री के दायित्व को कोई भी निभा सकता है। नहीं, ये सवाल आपसे इसलिए कर लिया हमने जी कि भाई रथ यात्रा निकल रही है, एक 12 तारीख को जगदलपुर से, दूसरी 16 को जशपुर से जी बताया गया है, जो जगदलपुर से निकलेगी उस पर अरुण साह प्रदेश अध्यक्ष सवार होंगे, और उस रथ से तभी उतरेंगे जब 28 को बिलासपुर में मुख्यमंत्री जी को चुनौती देने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे। 16 तारीख को नारायण चंदेल जी रथ पर सवार होंगे, उसके बाद उस रथ से तभी उतरेंगे जब 28 तारीख को बिलासपुर पहुंच जाएंगे। तो जब पसीना रात दिन पार्टी आपसे इतना बहाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो आगे के लिए कोई उम्मीद भी जाग रही है कि नहीं जाग रही है? नारायण जी कब तक कार्यकर्ता ही बने रहेंगे? दो परिवर्तन यात्राएं हमारी निकल रही है, 12 तारीख से मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर के दंतेवाड़ा से, उस रथ में उसका नेतृत्व हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी करने वाले हैं, और भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उस रथ को रवाना करने के लिए विशेष रूप से उपस्थित होने वाले हैं। दूसरी यात्रा हमारी 15 तारीख से जसपुर से निकलेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी उस यात्रा को रवाना करेंगे, और उसमें उसका नेतृत्व का दायित्व मुझे सौंपा गया है। देखिए यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक जाना चाहते हैं, भारत सरकार की उपलब्धियों को और भूपेश सरकार की नाकामी को हम बताना चाहते हैं। यात्रा का हेतु यह नहीं है कि जो रथ पर सवार होगा वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, लेकिन पार्टी का आदेश है, पार्टी का निर्देश है कि आप लोगों को चलना है। हर जिला मुख्यालय में हमारे केंद्रीय नेता भी उसमें रहेंगे, हमारे प्रदेश के नेता भी रहेंगे सभी प्रमुख केंद्रों पर। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि यह यात्रा का आशय वो नहीं है। चलिए उस आशय से नहीं सही, पर आप रथ में सवार होकर भी सरगुजा आएंगे, सरगुजा वासी किस उम्मीद के साथ आपका स्वागत करें? यह हमारा आखिरी सवाल है। सरगुजा में बैठकर किस उम्मीद के साथ में आप रथ लेकर सरगुजा में आने वाले, थोड़ा इसका बता दें तो हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें।
सरगुजा के इस संवाद कार्यक्रम में सभी नागरिक उपस्थित हैं, प्रबुद्धजन उपस्थित हैं। ये रथ परिवर्तन का रथ, ये रथ कमल खिलाने के लिए रथ है और ये रथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो भूपेश की शासन चल रही है, सरकार चल रही है, ये कुशासन को समाप्त करने का रथ है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब भी हम लोग आए तो एक कार्यकर्ता के हेतु से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हिमांशु जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो परिवर्तन का रथ है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जो अन्याय, अत्याचार और कुशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए है, ये रथ का पहिया रायपुर के मंत्रालय में जाकर रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को काबिज करेगा। रथ तो आप बिलासपुर में रोक दे रहे हैं और पहुंचा रायपुर रहे हैं, बात समझ में नहीं आई। समापन तो यात्रा का आप बिलासपुर में कर रहे हैं और रथ पहुंचा आप रायपुर रहे हैं, परिवर्तन की हवा जो है वहीं तक जाएगी। तो रथ भाई बिलासपुर तक पहुंचेगा और हवा जो है रायपुर तक पहुंचेगी, ये भरोसा नारायण चंदेल जी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की जनता को दिला रहे हैं। देखें, प्रदेश की जनता नारायण चंदेल जी और भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी या कुछ और करेगी, पर बहरहाल नारायण चंदेल जी का आभार और उन्हें शुभकामनाएं उनके संकल्प के लिए, उनके प्रयास के लिए। नारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर से आने के लिए और इस संवाद का हिस्सा बने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां नारायण चंदेल जी के लिए, क्योंकि वो अभी यहां से सीधे रायगढ़ जाएंगे जहां प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है, उसका दायित्व भी नारायण चंदेल जी के पास है। हम तहे दिल से उनके आभारी हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और विशेष तौर पर आप सभी महानुभाव का भी मैं व्यक्तिगत तौर पर इसलिए आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि 2:30 बजे से लगातार ये कार्यक्रम जारी है और आपने धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहने के लिए जो जज्बा जताया है उसके लिए हरिभूमि INH परिवार जिन शब्दों में भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करे वो कम होगी। आप सबका वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी